वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पर माही का ब्रेकफास्ट टिफिन बन रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा। और सिंपल सी रेसिपी है, मतलब ब्राउन ब्रेड का पकोड़ा बना रही हूँ। ताकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, माही को पता नहीं कि मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया था, और माही जब रेडी हो रही थी उसी टाइम मैंने ये ब्राउन ब्रेड यूज़ किया था। नहीं तो माही को बिल्कुल ब्राउन ब्रेड पसंद नहीं है, और बच्चों को ऐसे ही खिलाना पड़ता है। मतलब माही जब भी ब्राउन ब्रेड दिखती है, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसको पसंद ही नहीं है ब्राउन ब्रेड। और इसी वजह से उसके लिए हमें व्हाइट ब्रेड यूज़ करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही थी। और इनके लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही थी साथ साथ में, क्योंकि इनको भी ड्यूटी जाना था इसी वजह से। और मैं ना थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करती हूँ, मतलब कम ऑयल डालती हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा ऑयल ख़राब ना हो। और आपको दिखता होगा कि मैं जब भी फ्राई करती हूँ थोड़ा सा कम ही ऑयल डालती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भी मैं कम ऑयल यूज़ करती हूँ। यहाँ पर इन्होंने इनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, और तब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पर माही की टिफ़िन, मतलब माही के टिफ़िन के लिए ब्रेड पकौड़ा। और सिंपल सा थोड़ा सा बेसन में मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था और नमक ऐड कर दिया था। मैं ना इसमें सोडा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि सोडे से ना बहुत ज़्यादा तेल पकड़ने लगता है ब्रेड पकौड़ा, इसी वजह से मैं सोडा ऐड नहीं करती हूँ। बहुत लोग बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, कुछ कोई लोग इनो ऐड करते हैं, बट मैं नहीं ऐड करती हूँ। ऐसे ही मैं पकौड़ा बनाती हूँ। मुझे ना तवे पर का पकौड़ा अच्छा लगता है, बट बच्चों को फ्राइड पकौड़ा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। और अभी ये जो बन रहा है वो माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए बन रहा है। अभी जो दो बच्चे हैं वो अद्विक के लिए, अद्विक के टिफ़िन के लिए बन जाएंगे, और ये दो माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए। और साथ साथ वो भी खा रहा है, उनको भी दे दिया है, तो वो खा के चले जाएंगे ड्यूटी। और अद्विक को और माही को भेज दूँगी मैं स्कूल, तो उसके बाद मेरा मतलब मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी। तो इस तरह से, और आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है गाइस, ज़ुकाम वगैरह है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। और ना टैबलेट लेना चालू ही है, तो टैबलेट ले ही रही हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। बस माही और अद्विक का टिफ़िन पैक कर लूँगी, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे अद्विक और माही को स्कूल भेजने के बाद। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और हाँ, आप देख सकते हो आज धूप कितनी अच्छी आ रही है, मतलब पर्दा भी नहीं हट रहा है मुझसे। तो आज ना बहुत ही अच्छे से धूप आ रही है, मतलब 2 दिन ना इतना ज्यादा ये था, क्या बोलते हैं उसे, कोहरा कोहरा बहुत ज्यादा था, और ठंडी भी बहुत ज्यादा थी, बट आज धूप अच्छे से आ रही है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी ना माही चली गई है स्कूल, अद्विक भी चला गया है स्कूल, इसके पापा चले गए हैं ड्यूटी। मैंने माही को टिफिन बना के दे दिया था, इसके पापा ने ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, और मैंने बनाया था आज ब्रेकफास्ट पे, जैसे कि आपने देख लिया ब्रेड पकौड़ा, तो वो बनाया था और ब्रेकफास्ट टिफिन में माही के, और लंच टिफिन में तो भिंडी की सब्जी और रोटी दी थी उसे। और इसके बाद अभी बनाने वाली हूँ मैं रोटी का चूड़ा, तो क्योंकि रोटियाँ काफ़ी ज़्यादा बची है कल की, और क्योंकि रात को किसी ने खाया नहीं ज़्यादा, तो इसी वजह से, और उसके बाद मुझे माही को खिचड़ी खाना था, तो इसी वजह से मुझे उसके बाद खिचड़ी भी बनानी पड़ी सारा, मतलब खाना बनने के बाद, तो इसी वजह से ना रोटियाँ बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज खाना ही नहीं बनाते हैं सुबह, तो वही आज मतलब हमारा लंच होगा, जो मैं आज रोटी का चूड़ा बनाऊंगी, और ये मक्खी बार 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 सामने आ रही है, तो जो रोटी का चूड़ा बनाऊंगी वही आज हमारा लंच होगा, और उसके साथ दही बना लूंगी, क्या बोलते हैं, तो वो तड़का, तड़के वाला दही, तो उससे हमारा लंच जो है वो हो जाएगा। और माही के लिए रोटियां है जो उसके टिफिन में दी थी, तो वो माही खा लेंगे। तो और हाँ, रोटी का चूड़ा बनाने का रीज़न ये है कि इनको बहुत ही ज़्यादा रोटी का चूड़ा पसंद है, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, बट उस टाइम पता नहीं किसने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, अभी जो मुझसे न्यू ज्वाइन हुआ है उनको भी पता चल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइस। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और चूड़ा बनाती हूँ रोटी का। गाइज़, यहाँ पर मैंने मिक्सी में रोटियाँ जो है वो बासी थी, तो मतलब रात की रोटियाँ थी, तो वही मैंने पीस ली है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, और उसमें ना मूंगफली जो है वो पहले भून लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी लगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जीरा और राई वो डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज मैंने लंबा लंबा काट लिया है, तो इसी तरह से प्याज काटना है ताकि अच्छा लगे। और उसके बाद मैं उसमें आलू ऐड कर दूँगी, तो उससे ना मतलब टेस्ट जैसे हम लोग पोहा वगैरह बनाते हैं उसी टाइप का ये बनाना है आपको, और बहुत टेस्टी लगता है। मतलब
आप मतलब बना के देखोगे, आपने खाया अगर होगा तो आपको पता ही होगा, अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो इस तरह से बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लगता है। और इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। मतलब आप कैसे बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, और आप बनाते हो या नहीं बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो हमारे साइड में तो बनता ही है ये, मतलब महाराष्ट्र में ज़्यादातर बनता है, तो इसी वजह से महाराष्ट्रियन को तो पता होगा, बट जो महाराष्ट्र से नहीं है तो उनको नहीं पता होगा। तो मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी मिक्स कर दी है, और वो अच्छे से चला लूँगी, और उसके बाद ना मैं उसमें वही जो मिक्सी में पीसी थी रोटियाँ, तो वो मैं उसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी बारीक पीसनी है आपको ताकि वो अच्छा टेस्ट आए उसका, और इस तरह से आपको पूरा मसाला उसमें लग जाए तो ये डाल देना है, और उसमें ना थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड कर देना है ताकि वो नरम हो जाए थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो और थोड़ा सा मेरे जो आवाज़ को है ना माइंड मत करना, क्योंकि मुझे ही अजीब सा लग रहा है बात करने के टाइम, तो आपको तो अजीब लग ही रहा होगा, और वैसे भी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रूड हूँ आवाज़ से, तो इसमें तो और भी ज़्यादा लग रहा होगा आपको। तो मुझे भी ऐसी आती है जब यही सोचती हूँ कि कोई ये सोचता है मेरे बारे में कि यार मैं रूड हूँ करके। तो जाने दीजिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड कर दिया है, उस पर ढक्कन मतलब लगा के रख दिया है ताकि वो स्टीम आ जाए उसमें, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था, तो उस टाइम मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था गाइस, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं उसमें नमक ऐड किया था और थोड़ी सी चीनी ऐड की थी, तो मैंने बाद में आपको दिखाया है ताकि मतलब आपको पता चले कि मैंने ये चीज़ इसमें ऐड की है, क्योंकि है ना मतलब मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कैमरा ऐड करना, मैं जल्दबाजी में रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं परोस रही हूँ, यहाँ पर इन्होंने ना दही फ्राई किया था, मतलब दही को तड़का दिया था, और बस इस तरह से मैंने परोस दिया था। और ये ड्यूटी से आ गए थे, तो इस तरह से वो अद्विक को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, क्योंकि अद्विक मेरे हाथों से नहीं खाता है, जब ये आ जाते हैं तो इनके हाथों से ही खाना पसंद करता है, तो इसी वजह से वही खिलाते हैं उसे। कैसे बनाया बताने। बोल रहा है बहुत अच्छा बनाया, लेकिन सिर्फ धनिया पत्ता नहीं डाला है ऊपर से, और ये ना इसके साथ क्या बोलते हैं दही, दही को तड़का लगाया है, रायता, दही रायता, दही रायता नहीं बोलते इसे, दही का रायता है कि नहीं, इतना पतला नहीं, मट्ठा, दही का रायता बोल रहे इसे, मट्ठा है ये। हाँ दही का मट्ठा। कुछ भी बनाया अच्छा बनाया, अभी पाते हैं। इन्होंने बनाया है ये देखो, अरे जो बनाया शुगर करो। और ये जरूर ट्राई करना आप लोगों ने, मतलब ये इसके साथ मट्ठा बहुत अच्छा बनता है, मतलब लगता है, बट ये इन्होंने टेस्टी नहीं बनाया इसी वजह से। और इसके साथ मट्ठा ही अच्छा लगता है, मट्ठा या दही मतलब। हाँ ये देखो, इसको इसको भी जैसे इसने हाँ बोला है, इसने हाँ बोला, बस पास हो गई मैं। अजीब, आप क्या खा रहे थे अब तक? अजीब की चिप्स, मुझे तुम्हारी चिप्स खा रही मम्मा। मम्मा चिप्स खा रही, दूध दी बड़ा चैन हो रही है। खा रहे ना ये लोग? नाना तो कौन? नाना नमक चाहिए था सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक, वो तो नहीं करते नमक ले ले। नमक कम हो गया इसमें थोड़ा सा, नमक मेरे चार तो गुगल दे दी। आज हम लोग रोटी सब्जी खाने वाले नहीं है, यही खाने वाले, यही हमारा क्या बोलते हैं लंच है। हाँ जो रोटी सब्जी का ट्राई किया है, ट्राई डे आज रोटी सब्जी का ट्राई डे। अपना रोटी सब्जी का लाइक है। नहीं नहीं अजू की चिप्स खा रही हूँ मैं। चिप्स
हे गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर जा रही हूँ। आगे सामने ही माही के फ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। अभी माही चली गई है, केक कट हो रहा है तो इसी वजह से माही चली गई है और इनको थोड़ा सा टाइम था। मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी और ये वाला जो ड्रेस है वो पहना है, नीचे जीन्स है और ये ना यहाँ पे मतलब नीचे जीन्स पहना है, ब्लू जीन्स, और ये है स्लीवलेस मतलब ड्रेस है ये एक्चुअली, बट मैं जीन्स पे पहनती हूँ इसे, और ये वाला जैकेट पहना है इसके ऊपर। तो इस तरह से मेरा आज का लुक है और बस जाके आ जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ही दिखता है आगे से तो केक कट हो रहा है। तो चलिए फिर, बच्चे चले गए हैं तो मैं भी जाके आ जाती हूँ। पर केक कट हो चुका था और हम लोग आ गए थे किचन में, जैसे कि हमारी ड्यूटी होती है। मतलब हमारे कॉलोनी का ना, मुझे यही बात अच्छी लगती है, मतलब कोई भी किसी की भी घर में प्रोग्राम होता है ना तो सब लेडीज़ मिलके ना, मतलब पता ही नहीं चलता है कि सब लेडीज़ मिलके मतलब काम करने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पर मतलब वो तल रहे थे, क्या बोलते हैं, तो भटूरे, और यहाँ पर छोले भटूरे बनाए थे। और ये ना बच्चों की प्लेट है, माही को मैंने बोला था कि आप अपने जो प्लेट निकाली है वो शूट कर लो, तो ये बच्चों की प्लेट है। और यहाँ पर थोड़े थोड़े से छोले भटूरे दिए हैं और ना स्वीट में वो था, श्रीखंड था और केक था, तो बस ये बच्चों को दिया था। और उसके बाद ना जेंट्स वगैरह भी खा रहे थे, तो यहाँ पर जेंट्स वगैरह का भी माही ने शूट कर लिया था। मैं तो वहाँ पर किचन में ही थी तो मैंने माही को बोला था कि माही थोड़ा सा शूट कर लेना ताकि मतलब मैं दिखा पाऊँ आपको। तो इस तरह से मतलब सारे जो कॉलोनी के है वो मिलके खाना, मतलब खाना बोल रही, वो ये छोले भटूरे खा रहे थे। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने, लेडीज़ ने भी, लेडीज़ का भी काम हो गया था, तो फिर हम लोगों ने गरम गरम पहले बना के दे दिए थे जेंट्स को, और उसके बाद फिर लेडीज़ ने भी ले लिए थे हम लोगों ने। फिर उसके बाद ना लेडीज़ वगैरह ने, हम लोगों ने डांस किया था, बहुत ही मज़ा आया था उस दिन तो। मतलब यहाँ पर और इसी यही टाइम होता है, अब हम लोग बर्थडे इसीलिए मनाते हैं इस तरह से कि हम लोग साथ में मिल के बातें कर सके, साथ में मिल सके, तो इसी वजह से हम लोग छोटा मोटा बर्थडे बना लेते हैं बच्चों का। तो इसी बहाने हम लोग साथ में मिलते हैं और साथ में हम लोग इन्जॉय करते हैं, तो नहीं तो फिर कॉलोनी वालों को टाइम ही कहाँ मिलता है एक दूसरे से मिलने का। और यहाँ पर इस तरह से ना हम लोग उधर से आ गए थे, फिर चेंज कर लिया था, और यहाँ पर हम लोग, ये हम लोग एक साइड में हम लोग शेकोटी बोलते हैं इसे, जो सेक करते हैं, तो इसे ना मतलब ये बोल रहे थे कि आज ना ऐसे ही करने का मन कर रहा है, तो इसी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी इनको बोला फिर कि चलो मन कर रहा है तो कर लो, और हम लोग सेक लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे इस तरह से, और बातें भी चल रही थी हमारी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस तरह से हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें चल रही थी और सेक भी रहे थे। और ना आपके साइड में इसे क्या कहते हैं वो मुझे ज़रूर बताना, मतलब हमारे साइड में शेकोटी कहते हैं इसे, जैसे आग जलाते हैं ना तो इसको, और आपके साइड में क्या कहते हैं ये बताना मुझे, क्योंकि हिंदी में भी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, मराठी में शेकोटी कहते हैं तो ये मुझे पता है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे थे, और बाहर ना इसका मज़ा ही कुछ और आता है। मतलब इसके बाद ना कुछ जेंट्स मतलब कॉलोनी के हमें देख लिया था तो वो आ गए थे, उसके बाद मैं उठ गई थी वहाँ से। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे साइड में और उनकी तरफ ध्यान भी देना हो रहा था, बच्चे भी खेल रहे थे, बच्चों का भी एंजॉय हो रहा था यहाँ पे, बच्चे साइकिल खेल रहे थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल खेल रहे थे। और जो पीछे घर दिख रहा है आपको, उसी घर में बर्थडे का प्रोग्राम था, जो लाइट वगैरह आगे दिख रही है गेट पे, तो उसी घर में था बर्थडे का प्रोग्राम। और इस तरह से माहिर और खेल रहे थे और हम लोगों ने शिकोटी करके हम लोग बैठ गए थे। तो बस यही था, और मैं वीडियो को एंड करना भूल गई थी तो इसी वजह से मैं अभी वीडियो को एंड कर रही हूँ। यहाँ पर अद्विक और माही साइकिल एंजॉय कर रहे थे, साइकिल से साथ खेल रहे थे, वो अपनी साइकिल खेल रहा था, वो माही अपनी साइकिल खेल रही थी। तो चलिए फिर, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ।
और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।